मेरी चाय हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। देखिए सुबह सुबह आग नहीं जलाते, लकड़ी का खतरा है। लकड़ी नहीं है बिल्कुल भी, बस रोटी के लिए मोटी लकड़ी भी जलाते हैं। सामने दिखाए पतली लकड़ी कोई भी आपको नजर नहीं आएगी। वो पहले चाय पीते हैं, बाकी काम बाद में होते रहते हैं। और सुल्ताना के इधर है क्योंकि रात उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इधर ही थी। बिस्मिल्लाह करें, अभी चाय हम लोग पी लिया, अभी बिस्तर सेट करते हैं। कल पूरा दिन रेस्ट नहीं किया गर्मी की वजह से, सुबह जल्दी उठे, नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। और मैंने पाँच सुबह सुबह काम खत्म कर लिया, फिर गर्मी में काम भी नहीं होता। नींद होने वाला अगली रात करे सु, नींद पूरी होनी ही नहीं है गर्मी में। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बात आपकी सच्ची है, गर्मियों में नींद पूरी भाई नहीं होती, सर्दियों में जाके होती है। सर्दियों में सर्दी की वजह से चुप के सोए रहते हैं। साबरा, ये ना सुबह सुबह आप ये क्या कर रही हो? हैं तो ये पात्र, आज तो कपड़े नहीं धोने। वैसे बस पूछ रहा हूँ, आप मशीन में डाल दो अब अगर धोने हैं तो। आपका मशीन वाला आएगा बनाने तब ना। मशीन बढ़ गई है, मैं आपको स्विच लगा देता हूँ। स्विच इधर अंदर से स्विच लग जाता है सच में। तो जी माशाल्लाह साबरा फ्रेश होके रूम में आ गई, क्या हुआ है? कुछ नहीं जे, कुछ नहीं। परेशान क्यों हो गई हो? क्या हुआ है बताओगी भी सही, अभी तो सही थी। हमें यहाँ नहीं रहना। क्यों, क्या वजह? बस नहीं रहना। नहीं हुआ क्या है मुझे कुछ बताओगी भी सही, अभी तो आप सही थी, नाश्ता आपने किया है, फ्रेश हुई हो, फ्रेश होने से पहले तो बात की थी हमने, बिल्कुल सही थी। तो अभी बाहर मैं गया हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उससे अगला सीन हम बना रहे हैं। तो मसला तो बताओ ना मुझे, हुआ क्या है अचानक? बस नहीं रहना। कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है, हर वक्त टेंशन देते हैं। नहीं, इन लोगों की वजह से फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ तो फिर रहने का फायदा क्या है? अब मेरी बात सुनो साबरा, लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ बातें करना, इनको बातें करने दो। आपको पता है कि हम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते, आपको पता है इस बात का। इस घर के अलावा भी जगह है हम जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस घर में रहें। नहीं, क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हो कि हम जा ना रहे? हम कहीं और चले जाते। कहाँ चले जाते हैं, मतलब कोई और घर ले लें? कोई घर ले लें या किराए पे चले जाए, यहाँ नहीं रहना। किराए पे घर ले लें? अच्छा, नहीं मुझे वजह तो बताओ, कौन सी बात आपको बुरी लगी, किसने कोई बात की है, किसने कहा है कुछ? सब तो करते हैं। कौन करते हैं, कौन किसने की है मुझे बताओ। जो भी आता है वही कोई नई बात करके चला जाता है। यही जो आप यही कह रही हैं, रिश्तेदारों की बात कर रही हैं? किसी ने कोई ताना दिया है, क्या कहा है किसी ने, कुछ कहा है? बस जिसके दिल में जो आता है बोल देते हैं, आप एक एक बात तो नहीं बता सकते ना।
नहीं, मैं आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है आपके मूड से भी किसी ने कोई बात की है। मुझे आप बताओ, जिसने बात की है मैं उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता। ज़रूरी तो नहीं है कि आप बात ना करो, आप ना करो बात बस। मैंने बात ही नहीं की, उसने खुद की है। हर मसले का हल ये नहीं होता कि कोई अगर आपको थोड़ी सी आके बात कर ले तो आप उसे दिमाग में बिठा लो और परेशान हो जाओ। हर किसी की बात को इग्नोर करते करते कितना टाइम हो गया, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सच ये है कि इस गांव वाले हमें जीने नहीं देते। हकीकत यही है, या हमारी थोड़ी सी कोई किसी से कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ये भी हकीकत है। थोड़ी सी साबरा अपने माइंड को सेट करती है, कोई ना कोई बाहर जाती है जब बोखर देने के लिए या कुछ काम करने के लिए, या रिश्तेदारों में से कोई ना कोई सुनावत मार देता है, कोई ना कोई गलत बात कर देता है, तो तंग कर रहे हैं हमें, ठीक है ना, परेशान करके रखा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि जो है ना बड़ी लड़ाई में मैं पढूं, ठीक है। तो ये बहुत बुरी बात होती है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे आके कहें, तो साबरा को जो है ना दूर से सुनावत मारने का क्या हक बनता है, ठीक है ना। तो ये गलत बातें होती हैं, ठीक है ना। किसी को किसी की दिल आजारी कितना बड़ा गुनाह है ये कोई नहीं सोचता। ऑलरेडी बंदा किसी परेशानी में होता है, फिर ऊपर से एक जो है ना इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। कोई ना कोई बात खड़ी है इनकी, ठीक है। मुझे आप बताओ, तो मुझे पता है साबरा कभी भी कोई भी अगर कुछ कह देता है तो साबरा आगे से चुप हो जाती है, ये इसकी आदत है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इससे आज पूछता हूँ कि क्या मसला है। लेकिन साबरा, हम अगर चलो शहर में घर ले लें, ठीक है, तो आपको पता है हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है, और अम्मी और अब्बू हम अभी जो है ना आपको पता है वो शहर में नहीं रहते। हमने इस घर का काम करवाया इसी वजह से करवाया है कि फ़िलहाल हम शहर में घर नहीं रह सकते। अम्मी अब्बू हमारे साथ नहीं जाएंगे, फिर वो तो अकेले हो जाएंगे ना। इस सूरत हाल को तो देखो ना। आपकी मर्जी, क्या कह सकते हो। तो आप बहन भाई हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि साबरा थोड़ी सी भी डिसहार्ट ना हो यहाँ पे। क्या हमें वाकई शहर में या यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर हमें कोई घर लेना चाहिए या नहीं, आप बहन भाइयों ने आज लाजमी मशवरा देना है, क्योंकि हम आप बहन भाइयों से कुछ नहीं छुपाते। तो 24 घंटे तो मैं घर नहीं होता ना, ठीक है। तो जैसे ही साबरा, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो हमारे घर पे आते हैं, ठीक है, हज़ार हज़ार ऐसे आके मुफ्त के सवाल करने बैठ जाते हैं, मुफ्त का चाय भी यहीं से पीते हैं, रोटी भी यहीं पे खाते हैं, ठीक है, बैठे भी होते हैं, सुनावत भी मार देते हैं। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। हम तो कभी किसी के घर गए, आज तक हमने कभी किसी के पर्सनल मामलात पे डिस्कस नहीं की, फिर ऐसे मुफ्त के सवालात करने, ये है वो है, बस ऐसे ही, आपकी शादी कैसे हुई, क्यों हुई, इस तरह आपने क्यों किया, ये है, हद होती है इंसान की। एक बात है वो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद हज़ारों सवालात उठा के लेके बैठ जाते हैं आके। ऐसे रिश्तेदारों से तो अकेला रहना ही बेहतर है। इस वजह से पिछले 8 महीने से हमने किसी के साथ कोई वीडियो नहीं बनवाई। चलो आप परेशान ना हो, ठीक है साबरा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा वही होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं रहने का फैसला करोगी तो इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मशवरा करने दो। अम्मी और अब्बू हैं, आपको पता है वो अकेले हैं, वो उनके साथ थोड़ा बैठ के बात करने दो, ठीक है ना। या कोई इस मसले का कोई और हल निकालते हैं, मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिसने बात की है, क्योंकि अभी ये नहीं बताया कि मैं भी जानता हूँ साबरा को, और मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहता, ठीक है साबरा। तो जी व्यूवर्स, बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अचानक ही साबरा की तबीयत अपसेट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।